बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। हिंदू पक्ष यानी कि व्यास तहखाने पे जाकर पूजा कर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां पे हिंदू पक्ष को ये बड़ा अधिकार मिला है, बड़ी राहत मिली है पूजा करने को लेकर। व्यास तहखाने में पूजा कर सकता है हिंदू पक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष को मिला है पूजा करने का अधिकार व्यास तहखाने में। कई अलग अलग याचिकाएं लगाई हुई हैं और ये ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने की संबंधी अर्जी पर आज ये सुनवाई हुई है। तो बता दें आपको, कल सुनवाई हुई थी और अदालत ने पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से कहा था कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक पार्ट को स्वीकार करते हुए अदालत व्यास तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में देने का आदेश दे चुकी है। और दूसरा अनुरोध किया गया कि तहखाने के सामने जो बैरिकेडिंग की गई है उसे खोल दिया जाए और व्यास तहखाने में पूजा पाठ के लिए आने जाने दिया जाए, क्योंकि तहखाने में व्यास परिवार 1993 तक पूजा पाठ करता रहा था। 93 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। क्या कभी सोचा था कि ज्ञानवापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी और तब एक तरीके से आप लोगों का बिगुल बज गया? बिगुल बज गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करा लिए? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या क्या बैरिकेडिंग जो नंदी के सामने जिसको लोग पूरे उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट, यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेडिंग देखते थे वो बैरिकेडिंग खत्म हो गए। विष्णु जी, तो इसको विस्तार से बताइए, जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए, क्या कैसे कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या? अब आगे की रणनीति यही है, मैं हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेडिंग है तो बैरिकेडिंग को हटाया जाए, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाए। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये, आगे का उनसे बात करेंगे, क्या करेंगे? जिलाधिकारी को हमने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या बैरिकेडिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जाएगा? जी, बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उसे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवम्बर 1993 में अपनी पावर का मिस यूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं, कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाईकोर्ट में भी जो शिवलिंग था उसके केस को भी जो है ब्रेक हो गया, सबको नोटिस हो गया, वहां पर भी आपको लग रहा है कि अब जल्दी कथित जो मस्जिद
अयोध्या जाने की जो फव्वारा है उसकी थोड़ी भी खत्म हो जाएगी वहाँ। देखिए लीगल पोजीशन ये है कि जो सील्ड एरिया है जी जी, उसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है 12 मई को, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना मंजू जी कितना बड़ा जीत मान रही है, बहुत बड़ी जीत हुई, आज हमारा जो अधिकार था आज मिल गया। आसना रो रही है, आज भावुक हो गई, बहुत बड़ा महम फैसला आया है और पूरे सनातन धर्म की जीत हुई है। हर हर महादेव, काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है काशी। तो आपको लगता है अयोध्या की तरह काशी में भी अब आप लोग भव्य भव्य, अब हमारा मंदिर का रास्ता खुल गया, अब हमारे उसमें पूजा करने का हक अधिकार मिल गया। हर हर महादेव। कितने भावुक एक पल है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत आज खुशी नहीं दीदी, आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, अब हमारी पूजा पाठ उसमें नियमित रूप से शुरू हो गई। सुभाष जी, मंजू जी बहुत भावुक हैं, पूरा निर्णय चरणबद्ध तरीके से, क्या मांग थी, क्या निर्णय आया? देश भावुक है, पक्ष में हमारे आ गया है, वो व्यास जी का तहखाना व्यास जी का था, कोर्ट ने माना है 1993 तक वहाँ हिंदू रीति रिवाज से धार्मिक क्रियाएं पूजा पाठ वगैरह होती थी, जिसको बहाल करने का आदेश माननीय जिला कोर्ट ने दे दिया है, और एक सप्ताह के अंदर उस आदेश का कंप्लेन रिसीवर जिलाधिकारी को आदेशित किया, एक सप्ताह के अंदर रिसीवर जो जिलाधिकारी हैं उनको पूजा पाठ वहाँ पुनः जो है चालू करवाना है। तो क्या आप लोग इसके लिए जिला प्रशासन मिलने भी जाएंगे, जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? सारी चीज़ें हम लोग आदेश की कापी वहाँ मेल कर दिया गया, और आदेश की कापी भी दिया जाएगा, और उनसे भी आग्रह होगा कि आप इस कोर्ट के आदेश का कंप्लेन अंतिम साहब, क्या एक हफ्ते के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है वहाँ पर? अब ये हो सकता है, बात अब करना होगा, आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं पुनः शुरू हो जाए। तो आपने सुना कि सभी पक्ष काफी जो मंदिर पक्ष है वो काफी उत्साहित है, और अब चूंकि एक हफ्ते में पूजा के अधिकार का, एक हफ्ते में कंप्लायंस कराने का, यानी कि जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन कराने का एक हफ्ते का समय दिया है, लेकिन एक हफ्ते के पहले भी ये हो सकता है, और इसके लिए खुद मंदिर पक्ष इस आदेश की कॉपी लेकर जिला प्रशासन के पास जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी जिला प्रशासन को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और जिसके बाद वो पूरा जो व्यास जी का तहखाना है उसको जिला प्रशासन ने अपने कस्टडी में ले लिया था, अंडर में ले लिया था, और एडीएम प्रोटोकॉल ने वहां पहुंचकर नाप जोख करके उसको पूरे अंडर में ले लिया था, और जो उस प्रेयर की यानी कि उस बात की जो दूसरी मांग थी कि वहां पूजा पाठ का अधिकार भी दिया जाए, उसको भी आज जिला जज की अदालत ने मान लिया, वहां पूजा पाठ का अधिकार भी दे दिया। तो एक तरीके से ज्ञानवापी में अरसे बाद, यानी कि 1993 के बाद पहली बार अब पूजा होने जा रही है, यानी कि ये बड़ी जीत, बड़ा सिंबॉलिक जीत जो है मंदिर पक्ष को मिला है, और सभी इसको लेकर उत्साहित है। मैं इस पर बात भी कर लेता हूँ, इस ऑर्डर को आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं नित्यानंद जी? बहुत लैंडमार्क आज आदेश हुआ है, और कोर्ट ने यह माना है कि ब्रिटिश काल से जो व्यास जी का परिवार, ऑर्डर है क्या? एकदम ऑर्डर पढ़ो, ऑर्डर में सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को ऑर्डर की कॉपी पढ़ के सुना रहा है, सबसे एक्सक्लूसिव। इसमें यह है कि मेरे द्वारा ऑनरेबल कोर्ट कह रहे कि इसी बात में दिनांक 17/1/24 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया, इस कारण तहखाने में आने होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहां कब्जे में थे, उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहां प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 में रोक दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में जिलाधिकारी वाराणसी ने इसका पूजा पाठ रोक दिया था। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती है जो है स्पीकिंग ऑर्डर 1993 में किसकी सरकार रही, क्या था? आप तो चूंकि उसके साक्षी थे, 1993 में जब वो बंद किया गया तब आप वहां पर गए थे, वहां बवाल भी हुआ था,
था, क्या हुआ था उस वक्त 1993 में बाबरी ध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने निकली, ब्याज जी को तहखाने को बंद कर दिया गया, वहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया गया था, जहाँ पर देश बंदरों की रिचाए होनी चाहिए चाहिए थी, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक का जाप होना चाहिए था, रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर अल्लाह को नारे होते थे। लेकिन आज माननीय जिला जी के फैसले से हम हिंदू हिंदू समुदाय का सभी आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं सोहन जी, आपके आंखों में आंसू क्यों है? एक हर्ष की बात है, ये खुशी 40 साल से हम ज्ञान बापे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये विजय एक और सीढ़ी है ज्ञान बापे मुक्ति का, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या होगा, ये पूजा पाठ से वो जो प्रीमाइसेज है जिसको सोकाल मस्जिद कहा जा रहा है, अब ये इस आदेश के बाद से नीचे तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो जाएगा जो कि 1993 तक, इसका मतलब ये हुआ कि तहखाने में एक वन स्टेप हम आगे बढ़े हैं, और जो ऊपर इसको दूसरे शब्दों में कहें, जब यदि नमाज नहीं बंद होती तो ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा पाठ होगा, और ये बहुत ही अच्छी बात हम लोग के लिए इसलिए है कि जो 6 महीने बाद आदेश आना है 91 वाले मुकदमे का, उसमें ये जो आदेश है ये लैंडमार्क बनेगा, क्योंकि इस बात के सबूत जब इसके सबूत उसमें जाके ऐड हो रहे हैं जो SI वाले, और हो सकता है कि उसमें फर्दर SI भी और इन्वेस्टिगेट करे, तब ये मान के चलिए कि वो जो 6 महीने बाद ये जो मूल दावा है जो 91-3 अराजी के बाबत, जो मालिकाना हक के बाबत है, जो उस डिस्प्यूटेड लैंड पे कहती है कि हम ये हिंदुओं को दे देना चाहिए, वो डिग्री होगी और पूरा कैंपस जो है हिंदुओं के पूजा अर्चना के लिए अवेलेबल होगा, और मूल कूप और मूल जो शिवलिंग जो उस मस्जिद के नीचे सो काल मस्जिद के नीचे दबा हुआ है जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया, देखिए मूल ज्ञानवापी कूप भी SI रिपोर्ट में आया है सामने, उस वक्त जो आज जो हम जिस कूप का और जिस भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो अहिल्या बाई के द्वारा निर्मित है, जो मूल चीज है वो औरंगजेब ने तोड़ दिया था और वो उसी मलबे में आज भी दबा हुआ है। और उसको एक चीज और बताना चाहेंगे कि बीच में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से, इसके मेरे पास प्रमाण है, उस वक्त जो तमाम ड्यूटी पे पुलिस वगैरह थे वो हमको ये बताए हैं कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में जब अमरिंदर सिंह SP सुरक्षा थे, उस समय सीमेंट बालू ले जा करके उसके पिलर का निर्माण किया गया था, नहीं तो वो मस्जिद उसी वक्त ढह जाती। एक हिसाब से सोकाल जो मस्जिद है वो मुलायम सिंह की सरकार में ढहने के कगार पे थी, ये LI रिपोर्ट में भी उस वक्त का LI रिपोर्ट जो सबमिटेड है यदि मुआयना किया जाए तो ये भी ये चीज साबित होगी कि उस मस्जिद को बताने के लिए देन मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार।